अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको फ्रॉक कटिंग करना सिखा रहे हैं। ये फ्रॉक हम पैनल फ्रॉक कटिंग करेंगे और जो इसके लिए हमने कपड़ा लिया है वो तकरीबन 2.5 मीटर है और ये फ्रॉक हम बड़ी बच्ची के लिए कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले बैक पीस की कटिंग करनी है। तो जो हम बैक पीस की लेंथ ले रहे हैं वो तकरीबन 32 इंचेस है। वैसे हमने 30 इंचेस लेनी है लेंथ। ये देखिए, हमने 30 इंचेस लेंथ बनानी है अपनी फ्रॉक की, लेकिन हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा करेंगे वो इसलिए कि कटिंग करने के बाद जब स्टिचिंग करेंगे तो वो मुकम्मल 30 इंचेस का होगा। तो हमने निशान लगा लिया 30 इंचेस के, जहाँ हमने निशान लगाए वहीं से हमने कटिंग करनी है। ये देखिए, हमने कटिंग कर ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा अलहदा कर लिया है और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे क्योंकि कपड़ा हमने डबल रखा है। ये देखिए, इस साइड से भी हमारी ये कटिंग हो चुकी है। एक पीस हमने निकाल दिया है, अलहदा कर दिया है और ये जो हमने अब एक पीस है उसे लेना है और हमने जो पैनल बनानी है उनकी पैमाइश करनी है। तो जो हम पैनल बना रहे हैं वो हमने 4 इंचेस लेनी है और इसके हमने निशान थोड़ा इस तरीके से लगाना है। ये थोड़ी सी वेवी शेप में हमने कट करनी है। आप देखिए, नीचे से हमने इस तरीके से कटिंग करना स्टार्ट की और ऊपर से थोड़ी सी पतली की और उसके ऊपर से हमने थोड़ी सी चौड़ी करनी है, यानी कि 4 इंचेस हमने ऊपर से, सेंटर से 3 इंचेस होगा एंड नीचे से हमारा ये तकरीबन 8 इंचेस होगा। ये देखिए, 2 पैनल जो हैं वो कटिंग हो चुकी हैं। अब इसको हमने इसी तरीके से रखना है अपने जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उस पर, और अगेन हमने पैमाइश करनी है। और हम जो अगली पैनल कटिंग करेंगे उसे हमने 3 इंचेस बड़ा रखना है। ये हमने पहले शोल्डर की निशान लगाए हैं और इसके बाद जो हमने साइड की कटिंग की पैमाइश करनी है वो तकरीबन 11 इंचेस है और इसके बाद नीचे तक हमने ए लाइन शेप में निशान लगाया है कि हम ऐसे कटिंग करेंगे। ये देखिए, 11 इंचेस हमने चेस्ट की पैमाइश ली है। अब हम इसे कटिंग करेंगे नीचे से। व्यूअर्स, एक बार आपको फिर बताती चलूं, ये हमने बैक पीस की कटिंग की है और बैक पीस में हमने फ्रंट की 2 पैनल स्टार्टिंग में कटिंग की है और इन्हें हमने ऐसे लगा देना है। इसके बाद हमने दूसरा पीस लेना है कपड़े का और उसे हमने डबल कर रखा हुआ है। इसकी हमने साइड से कटिंग करके अलहदा किया है। ये 2 पीसेस हैं। अब हमने उसी तरीके से पैमाइश लेनी है इस हिस्से की भी।
तो अब हम जो इस पैनल की पैमाइश करेंगे यानी कि जो हमें विड्थ चाहिए इस पैनल की वो हमने 5 इंचेस रखनी है। फाइव इंचेस विड्थ लेने के बाद ये निशान लगाएंगे और नीचे से भी आपको पैमाइश कर कर बताएंगे कि आपने नीचे से पैनल की विड्थ कितनी लेनी है। तो जो हम नीचे से पैनल की विड्थ लेंगे वो तकरीबन 8 इंचेस है। ये देखिए 8 इंचेस हमने पैनल की विड्थ लेनी है। और इससे अब हमने ये देखें ऊपर से इस तरीके से कटिंग कर लिया है। इसके बाद अगली हमने जो पैनल कटिंग करनी है उसकी पैमाइश लेंगे नीचे से, जो हम सेम साइज की बनाएंगे यानी कि जो हमने 8 इंचेस वो बनाई थी, पहली पैनल जो हमने कटिंग की वो 8 इंचेस है, तो हमने ये भी 8 इंचेस ही नीचे से रखनी है और ऊपर से हमने 4 इंचेस ही रखनी है। देखिए 4 इंचेस। इसके लिए भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे और ये भी हमने ऊपर से 4 इंचेस, सेंटर से जो है वो 3 इंचेस और फिर नीचे से हमने 8 इंचेस रखी है और अब इसे कटिंग करेंगे। ये व्यूवर्स हमने इस शेप में ही कटिंग करनी है जितनी भी पैनल हैं, क्योंकि इन्हें जब हम स्टिच करेंगे तो इन पर हमने डबल सिलाई लगानी है। देखें इस तरीके से लगाएंगे हम और इस पीस को दूसरे पीस पर इस तरीके से रखेंगे। ये बहुत प्यारी फिटिंग आएगी जब हम स्टिच करेंगे, तो इस तरीके से बहुत प्यारी फिटिंग आएगी। ये हमने आगे से 2 इंचेस फोल्ड किया है क्योंकि हमारा जो फ्रंट पीस होगा वो आगे से खुला हुआ है, ओपन स्टाइल है। तो ये देखें हमने ये इसके ऊपर पैनल रखकर आपको दिखा रहे हैं, ये हमने बैक पीस की पैनल इसके ऊपर रखी है। जो हमारा फ्रंट पीस है उस पर हमने बैक पीस की पैनल रखी है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, आर्मपिट की कटिंग करेंगे अपने फ्रंट पीस की जिस तरीके से बैक पीस की कटिंग हो चुकी है, और साइड की फिटिंग की कटिंग करते हुए नीचे तक हमने कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रंट पीस भी साइड से कट हो चुका है। इसके बाद नीचे से हमने हल्की सी गोलाई में कटिंग करनी है इसकी। व्यूअर्स आप देख रहे हैं जो फ्रंट पीस है हमारा वो 2 इंचेस छोटा है बैक पीस से, तो अब हमने इसके शोल्डर की कटिंग नहीं की है वो अब करेंगे। तो वो जो हम शोल्डर की पैमाइश ले रहे हैं विड्थ और लेंथ, जो हमने लेंथ लेनी है वो है 15 इंचेस। और विड्थ हमने तकरीबन 7 इंचेस ली है और अब इस कपड़े को हमने अलहदा करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम अलहदा कर देंगे और इसे साइड से कटिंग करेंगे। ये देखें एक पीस हमने लिया है, इसे डबल कर कर रखना है और ये इस तरीके से लगा देना है। ये ऊपर से इस तरह से फोल्ड होगा और इसके साथ बैक पीस का जो है सेम इसी तरह का पीस अटैच होगा। ये देखें दोनों पीसेस हम इस तरीके से लगाएंगे और इन्हें हम आपको बताएंगे कि ऊपर से आपने फोल्ड कर कर स्टिचिंग करनी है। ये देखें बैक पीस पे हमने फ्रंट पीस पे सॉरी फ्रंट पीस पे हम ये लगाएंगे
और आगे से वही हमने जो फोल्ड किया है क्योंकि ओपन बनाना है, और फिर इसके ऊपर बैक पीस की पैनल जो हैं उनके ऊपर हमने ये रखना है, और हमने आर्मपिट की ऊपर तक कटिंग करनी है, शोल्डर की कटिंग करनी है, ये देखें शोल्डर की भी कटिंग हो चुकी है। अब आपको बताएंगे कि आपने इसे किस तरीके से लगाना है। ये ऊपर से हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और क्योंकि इस शर्ट में आप बैंड लगाएं या कॉलर लगाएं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो जब हम कॉलर लगाएंगे तो ये स्टिचिंग होने के बाद बहुत अच्छी लुक देगी। अब आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताते हैं। तो स्लीव्स के लिए जो हमने कपड़ा लिया है उसे हमने डबल कर रखा है, और जो हम स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं वो तकरीबन 20 इंचेस है। देखिए 20 इंचेस हमने स्लीव्स की लेंथ ली है, और ये इस तरीके से निशान लगा लिया कि हमने इस तरीके से ही कटिंग करना है। पहले साइड से कटिंग करेंगे, और इसके बाद ऊपर से हमने कटिंग करनी है स्लीव की। ये हमने दोनों स्लीव एक साथ ही कटिंग की हैं, और इसे अब इस तरीके से लगा देंगे। ये हम आपको सही से लगा कर दिखाते हैं। पहले हमने पैनल लगाई हैं, उसके बाद ऊपर शोल्डर के लिए जो हमने पीसेस कटिंग किए थे वो लगाए हैं, और उसके बाद स्लीव लगाई हैं, और इसके बाद स्टिचिंग कर लेंगे।